भारत में मिर्जापुर वेब सीरीज की अलग ही डिमांड है। भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर ही रहा है। इस दौरान मिर्जापुर 3 भी OTT पर रिलीज कर दिया गया है। मिर्जापुर 2 अगर आपने देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि मिर्जापुर 2 शानदार और कई सवालों के सस्पेंस के साथ खत्म हुआ था। अब इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मिर्जापुर 3 हम सबके बीच आई है। मिर्जापुर 3 की कहानी इस बार बदले से ज्यादा मिर्जापुर की गद्दी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। मिर्जापुर के तीसरे सीजन में मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू पंडित यानी अली फजल को बैठाया गया है, लेकिन इनमें वह बात नहीं जो मुन्ना भैया में थी। मिर्जापुर 3 की कहानी सीजन 2 के बाद से शुरू होती है, जिसमें मुन्ना भैया की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी माधुरी जिंदा है और वह अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाती दिखाई दे रही है। वही शरद पिता का सपना पूरा करने के लिए मिर्जापुर की गद्दी हथियाने के लिए राजनीति करने में लगे हुए हैं। पहले और दूसरे सीजन की तरह इसके तीसरे सीजन को भी मेकर्स ने काफी इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मिर्जापुर 3 में भी किरदारों की काफी भीड़ देखी गई है, जिस कारण मेकर्स ने किसी के भी किरदार को पूरी तरीके से नहीं दिखाया है। हालांकि गुड्डू भैया के किरदार को अली फजल संभालते नजर आए हैं, लेकिन मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के बाद उनका किरदार थोड़ा बचकाना लगता है। मिर्जापुर सीजन 3 के हर एपिसोड में मुन्ना भैया और कालीन भैया की कमी खली है और मेकर्स ने तो इस सीजन में पंकज त्रिपाठी के रोल को इतना कम कर दिया है कि लगता है कि वह मिर्जापुर 3 में है ही नहीं। अगर तीनों सीजन की बात करें तो मिर्जापुर 3 दोनों सीजन की तुलना में काफी कमजोर दिख रहा है। ऐसा लगता है मानो मेकर्स ने सिर्फ अगले सीजन को दिखाने के लिए इस सीरीज को बनाया है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने मिर्जापुर 3 के सारे एपिसोड देखे या नहीं। अगर देखे हैं तो कैसा लगा आपको यह सीरीज़। और ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।